गुड चेंज। हाँ ये अच्छा अच्छा, अब हमने एक छोटा सा आपके साथ ना इसी तरह के सवालों का एक कंपैटिबिलिटी गेम करना है। उसके लिए एक शर्त है, हमने आपके पास ये हेडफोन रखे हुए जो आपके मोबाइल से कनेक्टेड है और उस मोबाइल में एक गाना जो है वो हमने ऑन कर दिया है और इसका वॉल्यूम इतना है कि आपको मेरी और आयजा की कोई भी बात जो है वो सुनाई नहीं देगी। आपने हेडफोन लगाना है और यहाँ पर थोड़ी देर के लिए चहलकदमी करनी है, मून वॉक करनी है। हाँ मून वॉक करनी है जब तक कि मैं और आयजा जो है वो आपके बारे में कुछ गपशप कर लें और फिर हम आपको वापस यहाँ पे बुला लेंगे। ये एक दफा मैं देख सकती हूँ कि आप कोई फाउल गेम तो नहीं हो रहा, मतलब वाकई में म्यूजिक ऑन है? किस तरह का म्यूजिक सुनते हैं? ओके म्यूजिक ऑन है और आप ये सुनेंगे और आप यहाँ पर आ जाएंगे वॉक करेंगे। थैंक यू दानिश। नो प्रॉब्लम। थैंक यू दानिश जी। अच्छा जी आयजा, अब मैं आपसे कुछ सवाल करने जा रही हूँ। दानिश का फेवरेट ड्रेस क्या है? ड्रेस दानिश को ब्लैक शर्ट बहुत पसंद है, ब्लू पैंट जीन्स के साथ, मतलब ब्लैक कुर्ता, ब्लैक शर्ट टी शर्ट। ओके ठीक है, ब्लैक कलर में जो भी हो। और इनकी फेवरेट हीरोइन का नाम क्या है? हीरोइन फेवरेट अभी पता नहीं, दीपिका भी हो सकती है। हो सकती है, कोई एक कंफर्म नाम बताएंगे आप? वो चेंज होता रहता है ना, जिसका काम बहुत अच्छा होता है उनको वो अच्छी लगने लग जाती है। कंफर्म जवाब देना है, दीपिका डॉट, ताकि वो हम उनसे वेरीफाई करें कि वो है या नहीं है। अच्छा जी, आखिरी दफा आई लव यू उन्होंने कब बोला था आपसे? अभी आते हुए बोला हो गाड़ी में, अभी थोड़ी देर पहले बोल दिया हो कान में, कल बोला हो, किस दिन बोला था? आई लव यू कब बोला था? कोई मुझे दिन मुझे याद नहीं, दिन अभी बीचों में यहाँ आके तो बोलते रहते हैं। अच्छा मैं याद नहीं है कि लास्ट टाइम कब बोला था, कल परसों तरसों कोई हफ्ता? कल परसों तरसों नहीं, हम बोलते रहते हैं सुबह भी शाम भी जब भी हो। मैं लिख लूं कि आपने सुबह बोला था? आई लव यू बोलते नहीं है। अच्छा। बोलते नहीं, बोलते हमसे मैसेजेस, जब मैं अपने घर जाती हूँ ना तो मैसेजेस पे हम आई लव यू बोलते हैं, मतलब मोहब्बत का इजहार। वो इजहार होता है हर चीज से, छोटे छोटे जेस्चर्स होते हैं वो तो हर वक्त होता है। अच्छा, होल्डिंग हैंड्स एंड सेइंग आई लव यू, आई स्टिल लव, वो तो हमारे बारे में बता दे। मैं लिख लूं कि सुबह बोला था उन्होंने? नहीं सुबह नहीं बोला था, वो झूठ नहीं बोलेंगे दानिश। अरे कल कल बोला था? कल बस आप लिख दें कि बस बोला था। अच्छा बस बोला था, तीन चार दिनों में बोला था। तीन चार दिन हो गए बोले में। आखिरी दफा लड़ाई कब हुई है? कोई नोक झोंक तकरार? आपने बताया लड़ाई हुई नहीं। नहीं हमारी कोई लड़ाई नहीं। कोई तकरार, कोई नोक झोंक, कोई मूड खराब? नहीं। अब बच्ची वो रो रही है, तुम उसे संभाल नहीं रही हो, या तुम क्या कर रहे हो? नहीं नहीं हमारी नहीं होती, बिल्कुल हुई नहीं है। मैं लिख रही हूँ कि हुई नहीं है कोई भी। वेरी गुड माशाल्लाह। अच्छा मुंह दिखाई में आपको क्या मिला था? वो तो मैं बताती नहीं हूँ, मतलब यार चीजें मैं शेयर नहीं करती। अच्छा? क्या मिला क्या नहीं, वो क्योंकि यही सिर्फ जाके फेसबुक पे स्टेटस लग जाते हैं, उन्होंने ये दिया तो वो हमारी बात है, जो हमारी बात है वो हम बहुत सारी चीजें शेयर नहीं करते। थोड़ा सा कुछ बता दें, हमने वेरीफाई करना उनसे कि उन्होंने क्या दिया क्या वो नहीं भी दिया। नहीं बताएंगे, कभी भी नहीं बताएंगे। कुछ दिया भी था? हाँ दिया था। दिया था? अरे क्या वो गोल्ड की कोई चीज थी? गोल्ड भी था, गोल्ड ही था। ओके ठीक है। ईद पे ईदी क्या मिली थी? ईद पे ईदी हमें मेरी बेटी मिली थी। क्या ईदी है, अल्लाह ऐसे दीदी सबको। लेकिन नक दीदी, बेटी से पहले जो ईद गुजरी है, ईदी वाली छोटी ईद, उस पे क्या क्या कुछ दिया, कितना ईदी मिली थी? कितनी तो नहीं दानिश, दूसरी मैं निकाल लूं। अच्छा देते नहीं है, वो कहते अच्छा ले लो, कितनी चाहिए ले लो, चलो चलो। इसका मतलब ईदी नहीं मिली, हाथ से कुछ मुझे हाथ से देते हैं ना आके। ये वो कहती है मुझे ईदी दें, कहते तुम्हारा ही तो है सब, तुम्हें क्या निकाल के मैं अलग से दूं, ले लो जो देना है। मैं देख रही हूँ ईदी नहीं मिली थी, निकाल ली गई थी, लिख ले ईदी निकाल ली थी। फेवरेट सिंगर कौन सा या कौन सी है जिसको हमेशा सुनना पसंद करते हैं? सोनू निगम। सोनू निगम ग्रेट। आखिरी दफा मूवी आप दोनों ने इकट्ठे कब देखी है? हमने मैंने दानिश की देखी थी। कब, कितने दिन हो गए? उनके प्रीमियर पे देखी थी। प्रीमियर पे देखी थी। अच्छा उसके बाद बीच में एक देखी थी। घूमने गए इकट्ठे कहीं अभी रिसेंटली? लास्ट टाइम कब गए? अभी बेबी के बाद, अब हम प्लान कर रहे हैं न्यू ईयर इंशाल्लाह। ठीक है, यानी अभी अभी तो हम छोटी सी फ्लाइट में उसको लेकर आए हैं देखने के लिए क्योंकि सही है सेट है या नहीं है। रीसेंट पास पे कहीं नहीं गए हैं है ना? नहीं अभी प्लान है हमारा। अच्छा, हनीमून कहाँ हुआ था, कहाँ गए थे हम लोग? हमारा प्लान जो है वो टर्की और दो चार और जगहों का था, मगर जल्दी से जो वीजा मिला हमें थाईलैंड का मिला, तो हम 50-60 करोड़ सवाल नहीं हो गए? इतनी देर से चले जा रहा था। किसकी पसंद से हुआ था? पसंद क्या, कोई नहीं, कहीं भी जाना था हमें तो। तो दानिश ये सारी चीजें दानिश डिसाइड करते हैं। ग्रेट, चलें? मैं क्या, चलो थैंक यू सो मच। आई मेरी बारी है, दानिश आ जाइए। आ जाओ, बिल्कुल बिल्कुल आ जाइए। आयजा आप यहाँ तशरीफ रखेंगी,
अब आप म्यूजिक आप बैठिए आपके सामने ही वेरीफाई कर लेते, उसमें तो हमें कोई आपको भी पता चलेगा कि क्या कह रहे हैं और क्या नहीं कह रहे। दानिश आप तैयार? मैं तैयार हूँ। बहुत इजी इजी सिंपल क्वेश्चंस किए हैं हमने। अच्छा आपके ख्याल में आपका फेवरेट ड्रेस क्या है? क्या? ब्लैक। ब्लैक, एनीथिंग इन ब्लैक? एनीथिंग इन ब्लैक। सही, ये बिल्कुल सही कहा आयता ने। और फेवरेट हीरोइन का नाम क्या है आपकी? वैसे तो सारी हीरोइंस पसंद है मुझे, नहीं मेरा मतलब है कि मुझे दीपिका अच्छी है बहुत। ये बोला तुमने, वेरी गुड। अच्छा आपने निगाहें हैं कि किसको कैसे देख रहे हैं। अच्छा इन्होंने मुंह से नहीं बताया आपको, आपने जज किया ये? हाँ बताया था, नहीं कभी झूठ बोल रही है। कब बताया आपने मुझे? नहीं आपने मुझे इतनी तारीफ करता हूँ तुम्हारे सामने दीपक, तारीफ वैसे सबकी होती है। अच्छा बिल्कुल सही। आखिरी दफा आई लव यू कब बोला याद है? सुबह बोला हो, गाड़ी में आते हुए बोला हो, कल बोला हो, परसों? कंफ्यूज नहीं होना, जो पहला आंसर है ना वो आपका हमेशा सही होगा, याद रखेगा। वो घुमाएंगे। 3-4 दिन पहले बोला होगा। वेरी गुड, एग्जैक्टली मैंने यही बोला। 3-4 दिन पहले? हाँ, इन्होंने सुना ना नहीं? इन्होंने सुना नहीं है, लेकिन गुड। आखिरी दफा लड़ाई कब हुई है? लड़ाई तो नहीं हुई हमारी, मतलब कोई नोक जोक, बैड मूड, कोई एक दूसरे से मुंह बसोर लिया हो थोड़ी देर? नहीं, मैंने बताया था आपको लड़ाई नहीं हुई माशाल्लाह हमारी। माशाल्लाह, ये भी दुरुस्त। मुंह दिखाई में क्या दिया? सॉरी, आयजा को मुंह दिखाई में क्या गिफ्ट मिला था? मुंह दिखाई में क्या दिया था, ये सवाल हमसे पहले भी किसी ने पूछा था, बट इट्स क्वाइट पर्सनल, तो वो मैं उसका आंसर नहीं दे रहा हूं। नहीं दे सकते। वेरी गुड। आवाज है, आवाज आती है ना हंसने की। कोई गाड़ी थी, गोल्ड था, कोई फूल था? चलो ये बता देता हूँ कि गोल्ड में कुछ था, बट वो एग्जैक्टली क्या था वो नहीं बता पाऊंगा। बिल्कुल सही, जबरदस्त, दुरुस्त जवाब। अच्छा पिछली ईद पे ईदी क्या मिली आपने दी थी आयजा को? इस ईद पे जब ईद भी गई है? हाँ मतलब इससे पिछली ईद, ये तो पिछली वाली तो बड़ी ईद थी ना, उससे पीछे छोटी ईद, छोटी ईद जो गई। हाँ क्या ईदी दी थी? मेरी मूवी आई थी हुरैन, हुरैन, इनको मैंने ईदी तो नहीं कहूंगा मैं, ये भी बात मिलती जुलती है, लेकिन अच्छा ईदी ऐसा एक्चुअली अब हम लोग अब शादी हो गई ना, तो अब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि हम ईदी देने गए थे सबको। अच्छा। अब बच्चे जो हमें वो मतलब उनके पेरेंट्स से हम जब लिया करते थे, अब सारे बच्चे आ गए, अंकल ईदी, अंकल ईदी, तो हम लगते थे यार ये हम इनको ईदी देंगे, अब इतने अच्छा। बड़े हो गए हम। हाँ। तो अब मैं कहता ये भाई पैसे आप पकड़िए, ये आप जाने और ये जाने और जो बच्चे वो सारे आपके कैश में देते। गुड, ये भी आयसन इसी तरह बताया। और फेवरेट सिंगर? फेवरेट सिंगर, फेवरेट सिंगर भी 3-4 है। अभी कौन? I just love to listen to Sonu Nigam. Very good. ये बोला, don't tell me यार। गाना कौन सा गाना अभी आजकल अक्सर गुनगुनाते हैं? आजकल कौन सा गुनगुनाता हूँ? भाई कोई एक गाना तो नहीं है, मैं तो मैं कोई फेवरेट जो आजकल चढ़ा हुआ है मुंह पे, आते जाते आप वही गुनगुना रहे होते हैं। सोनू का एक गाना है आजकल, आ भी जा तू कहीं से, आ भी ये तो जरा गुनगुना दे बीच में लगे आते। वो इतना मुश्किल है, मैं गा ही नहीं सकता वो गाना। अच्छा? बहुत मुश्किल है गाना वो। कभी सुनना शुरू किया है? वो तभी सुनना शुरू किया है। इकट्ठे आखिरी दफा मूवी कब देखी है इकट्ठे? हमने सिनेमा में या घर पे? बोल रहे हो सिनेमा में। कौन सी देखी थी तुमने साथ? उन्होंने बता दिए, आपने बताना। अच्छा हम साथ कब गए थे? रिसेंटली जो हम लोग, क्योंकि हुरैन का मूड किस दिन अच्छा था मेरे ख्याल से हम प्रीमियर पे गए थे। जबरदस्त, शानदार। अरे अभी लास्ट टाइम कहीं इकट्ठे घूमने फिरने गए हों किसी जगह पे, कहाँ गए थे, कब गए थे? अब तो इट्स बीन ऑलमोस्ट एन ईयर नाउ, हम अपने हनीमून पे गए थे, उसके बाद से अभी कहीं नहीं गए। जबरदस्त। हनीमून किसने पसंद किया था, कहाँ जाना है और कहाँ गए थे? हमने म्यूचुअली डिसाइड किया था। अच्छा, दोनों की पसंद? 3-4 जगह निकाली थी, अमेरिका भी था, टर्की भी था, मेरा तो वीजा लगा हुआ था, मैडम का थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था, तो फिर हम अपेरेंटली एंड में थाईलैंड, दुबई। गुड, जबरदस्त। आपको पता है कि आप दोनों ने एक दूसरे से ना सिर्फ ये जवाब सही दिए, बल्कि बहुत ज्यादा मिलते जुलते जवाब दिए। जो लाइन वो बोल रही थी एग्जैक्टली वही लाइन आप भी उसी तक, वो सेम थे हमारे एग्जैक्टली उसी तरह से आप देखेंगे। तोहफा कहती मैं कहूँ तो नहीं बताएंगे कहते नारिश, मैं कहूँ वो भी नहीं बताएंगे। आप ये 6 साल का वो जो एक दूसरे के साथ सिलसिला रहा है उसका कमाल है
या ये पहले दिन से ही कुछ ना कुछ आप लोगों की सोच मिलती है, तो कहते ना हम मिलते जुलते से नहीं, मुझे लगता है हम... हमारी केमिस्ट्री तो बड़ी डेडली थी राइट फ्रॉम द स्टार्ट। हाँ, मतलब एक दूसरे से, जैसे मैं हमेशा ही सोचती हूँ कि यहाँ दानिश क्या बोलेंगे। अच्छा, मैं अपना जवाब नहीं देती, मैं दानिश का जवाब देती हूँ। अब हम लोगों को इतना एक दूसरे का पता है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये कोई आपसे बात कर रही है और मुझे लगेगा की बात कुछ ठीक नहीं हो रही, तो फिर मैं यूं करूंगा, उसको एग्जैक्टली पता है कि दानिश जो है वो कुछ कह रहा है मुझसे। हाँ, और वो क्या कह रहा है, मैं क्या कह रहा है। और बड़ी समझदार बात की आयशा ने बीच में, उन्होंने कहा है कि मैं पहले से सोच लेती हूँ कि दानिश इसका जवाब क्या एक्सपेक्ट करेगा या देगा, तो मैं वही जवाब देती हूँ। वाह, इसी को कहते हैं रांझा रांझा कर दी, नहीं मैं आप पे रांझा हुई। सो जबरदस्त, हम कंटिन्यू कर रहे हैं, हमारी गपशप जारी रहेगी लेकिन ब्रेक के बाद।